नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं सिंपैथोमाइमेटिक्स या एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट तो ऐसी ड्रग्स जो कि सिंपथैटिक सिस्टम को कॉपी करेंगी मतलब सिंपथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी उनको हम कहेंगे सिम्पैथोमाइमेटिक्स या ऐसी ड्रग्स जो कि सिम्पथैटिक सिस्टम में एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगी एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो सिंपथेटिक सिस्टम क्या है एक्टिवेट होगा सिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो डिफरेंट जो है वो बॉडी में एक्शंस परफॉर्म करेगा तो उन ड्रग्स को हम कहते हैं सिंपैथोबाइमेटिक्स या एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट अब एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स जो हैं वो दो किस्म के हो सकते हैं अल्फ़ा रिसेप्टर भी हो सकते हैं और बीटा रिसेप्टर्स में हो सकते हैं अल्फ़ा रिसेप्टर्स में अल्फ़ा वन भी हो सकते हैं अल्फ़ा टू भी हो सकते हैं इसके अलावा बीटा रिसेप्टर्स में बीटा वन बीटा टू और बीटा थ्री रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं अब एडी एगोनिस्ट जो हैं वो दो तरीक़ों से काम कर सकती हैं जो एड्रनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स होंगी वो डायरेक्टली एड्रीनर्जिक रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगी और बाइंड करने के बाद वो सिंपथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी तो इन ड्रग्स को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्टिंग या कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो के खुद रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड नहीं करती बल्कि रिसेप्टर से कौन पाइंड करता है केमिकल रिलीज ये करते हैं वो केमिकल जो है वो सिस्टम की एक्टिवेशन करता है तो इन ड्रग्स को हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग तो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं एटी एगोनिस्ट की तीन मेन क्लासेस हैं एटीनर्जिक एगोनिस्ट की एक होती हैं डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट जिसमें एग्जांपल आती है एपिनेफ्रीन की दूसरी होती हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट उसमें एग्जांपल आती है फिटामिन की और तीसरी आती हैं मिक्सड ड्रग्स मिक्सड एक्शन एगोडिस्ट उसमें ड्रग आती है, है एफिड्रीन अब जो एड्रीन रिसेप्टर्स हैं या सिंपथेटिक सिस्टम है उसमें से दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं एक होता है एपी या उसको हम कहते हैं एड्रीनाल और एक रिलीज होता है नॉर एपी या नॉर एड्रीनाल अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो इन दोनों के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है कैटिकोला मतलब एपी और नॉन एपी को हम कहते हैं कैटिकोला अब ये रिलीज़ कहाँ से होते हैं हमारी बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड होता है एड्रीनल ग्लैंड में एड्रीनल मेड्यूला से ये क्या है रिलीज़ होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स नॉर और एपिनेफ्रिन तो सबसे पहले डायरेक्ट एक्टिंग एगोनी स्टार्ट करते हैं एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये क्या है डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट है ये डायरेक्ट रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करने के बाद ये क्या करेगा सिम्पथैटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा सिंपथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करने के बाद क्या होगा सिम्पथैटिक सिस्टम जो है वो अपनी डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स पे जो है वो फंक् एक्शन शो करेगा ये रिलीज़ कहाँ से होता है अभी मैंने बताया कि एड्रीनल ग्लैंड के एड्रीनल मेडुला पार्ट से ये क्या होता है रिलीज़ होता है वहाँ से किस फॉर्म में ये वेजिकल्स की फॉर्म में स्टोर होता है और जब सिस्टम एक्टिवेट होगा तो उन वेजिकल्स में से एड्रीनल मेडुला में जो वेजिकल्स हैं उनमें से ये क्या होगा रिलीज होगा रिलीज़ होने के बाद ये कहाँ चला जाएगा ब्लड में जो है वो एंटर हो जाएगा अब जो एपी है वो किन रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड किए मैंने आपको बताया कि एड्रीनर्जिक रिसेप्टर दो तरह के होते हैं अल्फा रिसेप्टर्स भी होते हैं और बीटा रिसेप्टर्स भी होते हैं अब एपिनेफ्रीन जो है वो दोनों रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करते हैं अल्फा रिसेप्टर के साथ भी और बीटा रिसेप्टर के साथ भी जाके बाइंड करता है जब एड्रीनालिन को या एपिनेफ्रीन को हम लो डोज में लेते हैं थोड़ी डोज में लेते हैं तो ये बीटा रिसेप्टर के साथ जाके मिलता है जब यह बीटा रिसेप्टर के साथ जाके मिलता है तो ये ब्लड वेसल्स की डायलेशन करा देता है तो लो डोज़ पे बीटा रिसेप्टर पे बाइंड करने से यह वैसो डायलेशन कॉज करता है और जब एपिनेफ्रीन को हाई डोज़ में लिया जाएगा तो ये अल्फ़ा रिसेप्टर पे बाइंड करेगा अल्फ़ा रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो ये ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन करा देगा जिसको हम कहते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन तो इसका मेकनिज़म ऑफ एक्शन क्या हुआ कि इसने एड्रीनर्जिक रिसेप्टर में से अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे जाके बाइंड करना है Toh, जब ये एड अनर्जिक रिसेप्टर के साथ जाकर ये ड्रग बाइंड करेगी तो ये उन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगी जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो सिम्पथैटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा सिम्पथैटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो डिफरेंट एक्शंस जो है वो शो करेगा अब सिम्पथैटिक सिस्टम जब एक्टिवेट हुआ है मतलब ये ड्रग क्या क्या एक्शंस हमारी बॉडी के well. डिफरेंट ऑर्गन्स पे शो करती है सबसे पहले के कार्डियो सिस्टम सी वी एस पे इसका क्या अफेक्ट होगा तो जब यह बीटा वन रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती है तो ये कार्डियक मसल्स को क्या कर देती है मोर पावरफुल बना देती है कार्डियक मसल्स को स्टिमुलेट कर देती है जब कार्डियक मसल स्टिमुलेट होंगे तो ये हार्ट रेट को क्या कर देती है इंक्रीज़ कर देती है कैसे हार्ट रेट इंक्रीज़ कर देती है कि जो मायोकार्डियल मसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं कंट्रैक्ट हो जाते हैं जब मायोकार्डियल मसल्स कंट्रैक्ट होंगे तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा इंक्रीज़ हो जाएगा तो कार्डियोवस्कुलर सिस्टम पर इसके क्या अफेक्ट हैं कि हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और मसल्स की कंट्रैक्शन करा देता है उसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम के पेस के क्या अफेक्ट होंगे के रेस्पायरेटरी सिस्टम पे करने के लिए ये कौन से रिसेप्टर से बाइंड करता है बीटा टू रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है बीटा टू रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद ये जो ब्रोंकियल मसल्स हैं उनकी डायलेशन करा देता है तो एपिनेफ्रीन का क्या अफेक्ट हुआ ये ब्रोंको डायलेशन जो है वो कॉज करता है उसके बाद ब्लड वेसल्स पे अफेक्ट क्या होगा कि एपिनेफ्रीन जो है वो स्केलेटल मसल्स की जो वैसल्स हैं उनमें वेजो मतलब डायलेशन क्रॉस करा देता है इसके अलावा ये बीटा टू रिसेप्टर्स की जो करोनरी वैसल्स हैं मतलब हार्ट की जो ब्लड वैसल्स हैं उनकी भी वैज़ोडाइलेशन करा देता है इसके अलावा जी आई टी पे इसका क्या अफेक्ट होता है कि जी आई टी के मसल्स को क्या करा देता है एपिनेफ्रिन रिलैक्स करा देता है इसके अलावा जो जी आई टी के स्विंग्टर मसल्स हैं मतलब स्टमक के एंड पार्ट पे जो मसल्स होते हैं उनका कहते हैं स्विंग्टर मसल्स उनकी करा क्या करा देता है कंट्रैक्शन करा देता है उसके बाद आते हैं थेराप्यूटिक यूजेस एपिनेफ्रीन के कि किन किन पर्पसेस के लिए किन किन डिजीज़िज़ को ट्रीट करने के लिए या किन किन सिचुएशंस में हम एपिनेफ्रीन को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये क्या करता है कि रेस्पा ब्रोंकी्योल्स की डायलेशन कराता है तो ऐसे पेशेंट्स जिनमें क्या है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गई हैं जिनकी ब्रोंकीोल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं उनके मसल्स में कंट्रैक्शन हो गई है जैसा कि एस्थमा के पेशेंट्स हैं एस्थमा के पेशेंट्स में क्या होता है कि ब्रोंकीुलल ब्रोंकि कंस्ट्रिक्शन या ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है तो उन कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को ब्रोंको डायलेशन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं पेशेंट में क्या यूज़ कराया जाता है एपी नैफरीन. तो एपी का यूज़ क्या हुआ कि ये एस्थमा के पेशेंट्स में ब्रोंको डायलेशन जो है वो इंड्यूस कराने के लिए यूज़ की जाती है कैसे दिया जाता है इसको सब क्यूटेनियस जो है वो दिया जाता है ब्रोंको ब्रोंको डायलेशन कॉस कराने के लिए इसके बाद क्या है आई स्पेस का आईज़ के पेशेंट के लिए क्या है एक डिज़ीज़ होती है ग्लूकोमा जो आइस पे अफेक्ट करती है आइस में इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर क्या हो जाता है इंक्रीज कर जाता है तो ये ग्लूकोमा के पेशेंट्स में इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कम करने के लिए जो है वो यूज़ की जाती है और इसको यूज़ कैसे किया जाता है टॉपिकली मतलब टॉपिकली अप्लाई जो है वो किया जाता है उसके बाद हार्ट पे हार्ट के पेशेंट के लिए कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं कब यूज़ कर सकते हैं जब जो है वो कार्डियक अरेस्ट हो गया पेशेंट में तो उसमें या आपके पेशेंट को कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो उसकी उससे कार्डियक अरेस्ट हो गया तो उसमें भी क्या है जो इंट्रा कार्डियक इंजेक्शन के थ्रू जो है वो ये ड्रग ली जाएगी उसके बाद क्या है एनस्थीथैटिक के तौर पे भी इस ड्रग को जो है वो यूज़ किया जाता है एनेस्थेटिक के तौर पे क्या है कि जब हम एपी को एनेस्थेटिक ड्रग के साथ जो है वो मिला के देते हैं तो एक तो एनेस्थेटिक ड्रग का जो है वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा इसके अलावा जिस साइड पे इंजेक्शन लगा है उस साइड पे ये क्या कर देता है वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज कर देता है जिसकी वजह से अगर किसी पेशेंट का वहाँ पर सर्जरी होनी है तो वो क्या करेगा कि जिस साइड पे इंजेक्शन लगाया जा रहा है वहाँ पे ब्लड वेसल्स जो हैं वहाँ पे कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी वहाँ से ब्लीडिंग जो है वो नहीं होगी तो जब कोई आपने लोकल एनेस्थेटिक देना है तो उस ड्रग के साथ इसको कंबाइन करके दिया जाता है ताकि उसका जो एनेस्थेटिक अफेक्ट है एक तो वो इंक्रीज हो जाए और दूसरा वहाँ पर उस एरिया में ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन हो जाए तो ये वैजो कंस्ट्रिक्शन जो है वो कॉज कराता है उसके बाद एपिनेफ्रीन की फार्मेकोकाइनेटिक्स पढ़ते हैं एपिनेफ्रीन जो है वो कभी भी औरली जो है वो नहीं ली जाती क्यों औरली नहीं ली जाती क्योंकि जो जीआईटी के एंजाइम्स हैं वो क्या कर देते हैं इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो इसको हमेशा इंट्रामकुलरली या सब क्यूटेनियसली जो है वो लगाया जाता है और इसके अलावा इसको आईवी रूट के थ्रू भी जो है वो नहीं लगाया जाता है क्योंकि क्या है कि ये बॉडी के लिए डेंजरस है इसीलिए इसको आईवी रूट के थ्रू यूज़ नहीं किया जाता इसके अलावा इसको जो है वो टॉपिकली भी यूज़ किया जा सकता है जैसे अभी मैंने बताया कि लोकल एनेस्थेटिक के साथ टॉपिकली जो है वो अप्लाई किया जाता है तो क्यों अप्लाई किया जाता है क्योंकि ये वेज़ो कंस्ट्रिक्शन कॉज कर देगा और वेज़ो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो ब्लड वहाँ ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और वहाँ से ब्लड के निकलने के चांसेस क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे तो ये जो है वो टॉपिकली भी जो है वो यूज़ की जा सकती है उसके बाद आती हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या होंगे कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट कर सकता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिस्टरबेंस कॉज कर सकता है इसके अलावा क्या है हेमरेज कॉज कर सकता है अगर इसको ओवर डोज में लिया जाए इसके अलावा कार्डियक कार्डियर इन मतलब हार्ट रेट क्या हो सकता है इंक्रीज़ हो सकता है तो ये इसके क्या है? कुछ हैं कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं उसके बाद नेक्स्ट ड्रग की क्लास स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट में ड्रग आती है एम्फीटामाइन एम्फ़ीटामाइन क्या है ना तो ये क्या है एड्रीनाल की फॉर्म में आता है ना नॉन एपीप्रीन फॉम में आता है तो इस बेस पे क्योंकि एड्रीनाल और नॉन एड्रीन को हम कहते हैं कैटिकोलामस तो ये उस क्लास में नहीं आता तो इस वजह से इसको कहा जाता है नॉन कैटिकोला मिनर्जिक सिंपथेटिक अमाइन इसके जो अफेक्ट्स हैं वो कोकेन की तरह ही क्या होते हैं सिमिलर होते हैं इसके और कोकेन के अफेक्ट्स इनडायरेक्ट एक्टिंग किस वजह से कहा है क्योंकि ये खुद रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड नहीं करती बल्कि ये किसी केमिकल के थ्रू रिसेप्टर के साथ किसी केमिकल के थ्रू जो है वो सिस्टम रिस, रिस, को क्या करती है एक्टिवेट करती है तो इसका मेन मेकनिज़म ऑफ एक्शन क्या है कि क्या होता है कि एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं मोनो अमाइन ऑक्सीडेस मोनो अमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम का काम क्या है कि इसने एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन की ब्रेक डाउन करानी है जब एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगी तो क्या है पैरा सिस्टम एक्टिवेट जो है वो नहीं होगा सिम्पथैटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा तो ये ड्रग क्या करती है एमाओ एंजाइम को क्या करती है मोनो अमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम को क्या कर देती है इनहिबिट कर देती है जब ये मोनो अमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम को क्या कर देगी इनहिबिट कर देगी तो क्या होगा कि एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन की ब्रेक डाउन नहीं होगी जब इसकी ब्रेक डाउन नहीं होगी तो इसका लेवल बॉडी में क्या हो जाएगा इंक्रीज़ कर जाएगा जब इसका लेवल बॉडी में इंक्रीज़ कर जाएगा तो पैरासम्पथैटिक सिस्टम क्या है एक्टिवेट होगा सिम्पथैटिक सॉरी सिंपथैटिक सिस्टम क्या हो जाएगा एक्टिवेट होगा जब सिम्पथैटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो सिंथेटिक सिस्टम जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स पे अपने एक्शन जो है वो शो करेगा सिम्पथटिक सिस्टम की जो है वो एक्टिवेशन हो जाएगी तो इसका मेकनिज़म क्या है कि एम्फिटामिन ड्रग आई इसने जाके किस से बाइंड करना है मोनो अमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम से इसने क्या करना है मोनो अमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देना है मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिट होगा एपिनाफ्रीन और एपीनाफरीन की ब्रेक डाउन नहीं होगी जब उसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी तो उसका लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा और पैर और सिम्फेटिक सिस्टम क्या हो जाएगा एक्टिवेट हो जाएगा अब जो है एम्फिटाम उसके क्या है एक्शंस क्या हैं हमारी बॉडी के किस किस सिस्टम पे ये अफेक्ट करता है एक तो ये क्या करता है सीएनएस पे इसके मेजर अफ़ेक्ट्स होते हैं इसके हमारी और बॉडी के ऑर्गन्स पे अफेक्ट नहीं होते मतलब जीआईटी पे या मसल्स पे या ब्रोंकियोस पे इसके अफेक्ट या आई स्पेस पे अफ़ेक्ट नहीं होते इसका मेन जो एक्शन है वो कहाँ पर होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है वो इसका मेन एक्शन है ये किन रिसेप्टर से जाके बाइंड करती है ये एडिनर्जिक के अल्फा और बीटा रिसेप्टर दोनों से जाके जो है वो बाइंड करती है अफेक्ट्स क्या होते हैं कि ये हार्ट uh, क्या करती है हार्ट पे इसका क्या अफेक्ट होता है हार्ट में ये कार्डियक रेट को इंक्रीज़ कर देती है मतलब हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देती है इसके अलावा ब्लड प्रेशर पे इसके क्या अफेक्ट होते हैं ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर सकती है आइज़ पे इसके क्या अफेक्ट होते हैं कि ये आइज़ में प्यूपल की डायलेशन करा देती है जिसको हम कहते हैं मिड्रियासिस नेक्स्ट आते हैं इसके थेराप्यूटिक यूजेस एर के हम किन किन पर्पसेस के लिए किन किन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं जैसा कि बताया कि इसके मेन एक्शन कहाँ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है वो एक्ट करती है तो क्या है कि इसको मोस्ट कॉमनली वैसे यूज़ नहीं किया जाता क्यों नहीं यूज़ किया जाता इससे पेशेंट जो है वो डिपेंड करना शुरू कर देता है डिपेंडेंस डेवलप हो जाती है डिपेंडेंस क्या है कि अगर कोई पेशेंट लगातार मेडिसिन कोई लेता जाए तो वो अगर उसको ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो कहता है कि मुड़े मुझे ये मेडिसन चाहिए तो वो ये क्या है डिपेंडेंस कॉज कर सकता है पेशेंट में इसके अलावा क्या है इससे टॉलरेंस भी डिवेलप हो जाती है पेशेंट में टॉलरेंस क्या है कि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी मेडिसन को यूज़ करते हो तो जब आप नेक्स्ट टाइम उस वही मेडिसन उस डोज़ में यूज़ करोगे तो वह आपकी बॉडी पे असर जो है वो नहीं करेगी क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो उस ड्रग के ख़िलाफ़ क्या होगी है टॉलरेंस डेवलप होगी है तो कोई वो ड्रग अफेक्ट जो है वो शो नहीं करेगी उस ड्रग के अफेक्ट के लिए फिर उसकी जो है वो हाइस्ट डोज जो है वो लेनी पड़ेगी तब वो अफेक्ट शो करेगी तो ये एक तो डिपेंडेंस कॉज करती है और टॉलरेंस कॉज कर देती है इस वजह से इसको मोस्ट कॉमनली जो है वो यूज़ नहीं किया जाता इसको जो है वो एक डिसऑर्डर होता है ए डी एच डी मतलब अटेंशियन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यह क्या है उस डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए जो है वो यूज़ की जाती है इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो इतना एक्टिव नहीं होता उसमें जो है वो मतलब पेश जैसे ये मोस्ट कॉमनली जो यंग चिल्ड्रन या यांग अडर्ल्स हैं उनमें ये मोस्ट कॉमन है मतलब अटेंशन जो है वो उनकी बेहतर नहीं होती वो प्रॉपरली किसी चीज़ पर कंसनट्रेट या फोकस नहीं कर सकते थोड़ी टाइम के लिए वो कंसनट्रेट करेंगे उसके बाद जो है वो उनकी कंसनट्रेशन या अटेंशन है उसकी तरफ से क्या हट जाएगी मतलब उनको क्या है उनका दिमाग हमेशा सोया रहता है उनमें जो है वो ये एबिलिटी नहीं होती कि वो एक्टिव रहें ठीक है तो मतलब ऐसे पेशेंट क्या होते हैं इनएक्टिव रहते हैं और वो जो है वो किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते तो तो एम्फीटामी ड्रग जो है वो ऐसे पेशेंट्स में अटेंशन को उनकी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो यूज़ की जाती है गया तो इस तो मैंने इसका यूज़ क्या है अटेंशन डेफिशेंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर उसके अलावा क्या है ये नारकोलेप्सी मतलब नारकोलेप्सी में भी यूज़ होती है नार्कोलैप्सी क्या है एक स्लीप डिसऑर्डर है स्लीप डिसऑर्डर कैसा है कि इसमें पेशेंट को क्या आती है ज़्यादा नींद आती है तो इसको नार्कोलेपसी को ट्रीट करने के लिए भी जो है वो यूज़ किया जाता है इसके अलावा इसकी फार्मेको क्या हैं ये मोस्टली जो है वो ये ऐसी जो है वो एडिनर्जी कैगोनी ड्रग है जो कि जी के, के थ्रू जो है वो ली जाती है इसकी जो है वो औरल एब्जॉपन क्या है गुड है इसके अलावा ये मेटाबोलाइज कहाँ होती है लीवर में मेटाबोलाइज होती है और एक्सरीट कहाँ से होती है यूरिन में एक्सरीट होती है इसके अलावा इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो इसके एक्शन से रिलेटेड हैं ये एक तो इंसोमिया कोज करा सकती है इसके अलावा पेशेंट में वीकनेस और डिजीनेस कॉज करा सकती है और ट्रिमर्स uh, कॉज करा सकती है मतलब झटके लाग सकते हैं पेशेंट को इसके अलावा जो है वो मेंटली इल पेशेंट जो हैं वो उनमें कन्फ्यूजन या सुसाइडल टेंडेंसीज uh, भी जो है वो कॉज कर सकती है इसके अलावा ये क्योंकि क्या करती है ब्लड uh, प्रेशर को इनक्रीज़ करती है तो इसकी वजह से हाइपर भी हो सकती है कार्डियक रेट को इनक्रीज़ कर सकती है तो इसकी वजह से कार्डिय एयरदमियाज़ हो सकते हैं एंजाइना पेन हो सकती है या हेडेक हो सकता है uh, तो ये इसके क्या हैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं एड्रनर्जिक एंटैगोनिस्ट या सिम्पैथोलिटिक ड्रग्स तो एड्रीनर्जिक एंटैगोनिस्ट ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगी जब एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो सिंपथैटिक सिस्टम क्या है एक्टिवेट नहीं होगा इसी वजह से हम इनको कहते हैं सिंपैथोलिटिक ड्रग्स क्योंकि ये सिंपथेटिक सिस्टम को इनहिबिट कर देती हैं अब जो एड्रनर्जिक एंटैगोनिस्ट हैं वो जो हैं वो तीन ग्रुप्स में डिवाइड की जाती हैं सबसे पहले आती हैं अल्फा ब्लॉकर्स उसमें ड्रग आती है प्रेजोसिन फिर आते हैं बीटा ब्लॉकर्स उसमें ड्रग आती है, है प्रोप्रेनोलोल फिर तीसरी क्लास आती है ड्रग्स अफेक्टिंग द न्यूरो ट्रांसमीटर अपटेक और रिलीज रिसेप्टर uh, का ट्रांसमीटर क्या है एपिनेफ्रीन और नॉन ऐपी तो ऐसी ड्रग्स जो कि न्यूरो के, के रिलीज़ को अफेक्ट करेंगी वो उनको हम कहेंगे ड्रग्स अफेक्टिंग न्यूरो ट्रांसमीटर और रिलीज इसमें ड्रग आती है राइसर जो अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं वो मेनली अफेक्ट करती हैं अल्फ़ा वन रिसेप्टर्स को और जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो uh, तीनों रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं बीटा वन बीटा टू और बीटा थ्री सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्फ़ा ब्लॉकर्स एल्फ़ा ब्लॉकर में ड्रग है प्रेजोसिन अब प्रेजोसिन का काम क्या है कि ये इसको हम कहते हैं ये सिलेक्टिव कम्पिटिटिव ब्लॉकर है सिलेक्टिव क्यों कहा क्योंकि ये जाके अल्फा वन रिसेप्टर से बाइंड करती है इस पर पे इसको इस कहा सिलेक्टिव इसके बाद कम्पिटिव कम्पिटिटिव क्यों कहा क्योंकि ये दूसरी जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं दूसरी जो ड्रग्स हैं उनके साथ कम्पीट करती है किसके साथ एपी और नॉर एपी के साथ कम्पीट करती है उनको अल्फ़ा रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देती और ख़ुद जाके अल्फ़ा वन रिसेप्टर पर बाइंड कर देती है इस जैसे इसको कहते हैं सेलेक्टिव कंपिटिटिव ब्लॉकर तो इसका जो है वो मेकनिज़म ऑफ एक्शन क्या हुआ कि ये क्या करती है अल्फ़ा वन एडिनर्जिक रिसेप्टर से क्या करती है बाइंड करती है उनके साथ बाइंड करने के बाद ये क्या करा देती है सिम्पथैटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देती है जब सिंपथैटिक सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो जाएगा तो वो अपने एक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा सिम्पथैटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा तो वो कंट्रैक्शन मसल्स की कंट्रैक्शन कराता है लेकिन जब सिम्पथैटिक सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो जाएगा तो ये मसल्स की या ब्लड वेसल्स की क्या है रिलैक्सेशन करा देगा तो क्या है कि जो है वो रिलैक्सेशन कराज करा देगा तो क्या हो जाएगा ये आइज़ पे इसका क्या इफेक्ट हो सकता है कि ये आइज़ पे मियोस भी जो है वो कॉज करा सकता है अब इसके uh, थैराप्यूटिक यूज़ेस क्या हैं थैराप्यूटिक यूज़ इसके क्या हैं कि ये मोस्टली जो है वो हाइपर टेंशन के पेशेंट्स में जो है वो यूज़ किया जाता है हाइपर टेंशन uh, के पेशेंट्स में क्या है कि हाइपर टेंशन में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और उनकी वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं करता और ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है इनक्रीज़ कर देता है तो ऐसी ड्रग्स जो है वो हाइपरटेंशन के पेशेंट में जो है वो यूज़ की जाएंगी कि ये, ये किन रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती हैं इनहबिट करती हैं अल्फा टू रिसेप्टर को जो है वो ये ड्रग जो है वो जो है वो इनहिबिट करेगी उसके बाद क्या है कि जो फर्स्ट डोज है वो क्या करेगी जब देंगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है जो वो फ़ौरन जो है वो कम हो सकता है तो पेशेंट जो है वो फेंटिंग कंडीशन में जा जा सकता है जब हम इसकी फ़र्स्ट डोज जो है वो देंगे तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं कि फ़र्स्ट डोज़ लेने की वजह से अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर फोड़ी हो गया कम हो गया है तो ये पेशेंट फेंटिंग की तरफ जा सकता है बेहोश हो सकता है तो इसको हम कहते हैं फ़र्स्ट डोज इफेक्ट तो हमेशा जो है वो जो नॉर्मल डोज है उससे जो है वो थोड़ी जो है वो वन थर्ड या वन फोर्थ डोज़ जो है वो कम दी जाती है इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि ये किज कर सकती है डिजीनेस कॉज कर सकती है क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कम कर रही है तो पेशेंट में एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी एनर्जी कम हो जाएगी तो पेशेंट ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा क्योंकि ये क्या करा रही है जो नेजल की ने, नेज़ल वेसल्स हैं उनकी क्या कराती है कंस्ट्रक्शन करा देती है ठीक है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी नेज़ल कंजेशन हो गई तो ये इसके क्या हैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं Uh, उसके बाद नेक्स्ट uh, ड्रग आती है बीटा बीटा ब्लॉकर्स आते हैं या इनको हम कहते हैं नॉन सेलेक्टिव बीटा एंटेगोनिस्ट इसमें ड्रग आती है प्रोप्रेनोलोल uh, अब ये नॉन सेलेक्टिव है मतलब स्पेसिफिक बीटा ब्लॉकर के स्पेसिफिक रिसेप्टर से नहीं बाइंड करती बल्कि तमाम बीटा वन बीटा टू तमाम रिसेप्टर पे क्या कर देती है बाइंड जो है वो कर देती है इस वजह से इसको कहते हैं नॉन सेलेक्टिव कम्पिटिटिव जो है वो एंटैगोनिस्ट है अब ये क्या करती है इस ड्रग का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये बीटा ब्लॉक मतलब इसका काम क्या है कि इसने जो एड्री रिसेप्टर्स के बीटा रिसेप्टर्स हैं उनको क्या कर देना है ब्लॉक कर देना है तो जब ये बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पे जाएगी तो बीटा वन और बीटा टू रिसेप्टर को क्या कर देगी ब्लॉक कर देगी बीटा वन बीटा टू रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो सिम्पथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी ब्लॉक हो जाएगी तो ये इसका क्या है मेकानिज़म ऑफ एक्शन इसके बाद क्या है इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ये किन किन ऑर्गन्स को जो है वो अफेक्ट करती है तो प्रोपेनोलोल क्या करती है मायोकार्डियल कंट्रैक्शन क्या करती है मायोकार्डियल कंट्रैक्शन जो है वो उसको क्या कर देती है कम कर देती है जिसकी वजह से क्या होगा कि कार्डियक आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा ठीक है और जो है वो ऑक्सीजन कंजप्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी तो इसकी वजह से ये क्या है एंजाइना के पेशेंट्स में और हार्ट फेलियर के पेशेंट में जो है वो यूज़ कर देती है क्योंकि ये मायोफा मायोकार्डियल कंट्रैक्शन को जो है वो कम करती है मायोकार्डियल के मसल्स की जो कंट्रैक्शन हो रही है उसको क्या करती है कम करती है रेस्पाटरी ट्रैक पर इसका क्या अफेक्ट होता है के जब रेस् प्रोपेनोल क्योंकि ये, ये सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर रही है तो ये ब्रोंकियोल की मसल्स की कंस्ट्रक्शन करा सकती है क्या है तो जिसको हम कहते हैं ब्रोंको कंस्ट्रक्शन इसके अलावा आइस पे क्या अफेक्ट होता है कि आइस के, के पेशेंट में मतलब ये क्या करा रही है इंट्रा ऑर्क्यूलर प्रेशर को जो है वो कम करती है ग्लूकोमा के पेशेंट्स में इंट्रा ऑर्क्यूलर प्रेशर को जो है वो कम करती है उसके अलावा क्या है कि ये सोडियम की जो है वो रिटेंशन करा देती है किस तरह रिटेंशन करा देती है कि ये सिंपथेटिक्स uh, uh, जो है वो इंक्रीज uh, हो जाता है प्लाज्मा में सोडियम की रिटेंशन की इस वजह से रीनल परफ्यूजन जो है वो रीनल से सेंजाइम रिलीज़ होता है रेनिन ठीक है तो ये इस एंजाइम को क्या कर देती है ब्लॉक कर देती है जिसकी वजह से सोडियम की बॉडी में क्या हो जाती है रिटेंशन हो जाती है क्यों टेंशन हो जाती है क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो क्योंकि ब्लड प्रेशर को जो है वो uh, कम कर का रही है तो इस वजह से बॉडी में क्या होगा कि सोडियम का लेवल जो है वो रिटेन uh, कर जाएगा और सोडियम रिलीज़ नहीं होगा रेनिन को ये इनहिबिट कर रही है यह तो सोडियम की क्या जाएगी बॉडी में रिटेंशन हो जाएगी उसके अलावा ये क्या कॉज करता है बॉडी में ग्लूकोज़ के लेवल को क्या कर सकता है इंक्रीज कर सकता है जिसकी वजह से पेशेंट्स में क्या है हाइपर ग्लाइसीमिया हो सकता है यही रीज़न है कि ये टाइफन डायबिटीज़ के पेशेंट में जो है वो प्रोप्रेनोलोल जब दी जाती है तो बहुत एहतियात जो है एहतियात की ज़रूरत होती है उन पेशेंट्स का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मोनीटर किया जाता है क्योंकि ये जो है वो ग्लूकोज के लेवल को बॉडी में इनक्रीज़ कर देती है नेक्स्ट uh, आते हैं इसके थेराप्यूटिक यूजेस। अब हम किन पेशेंट्स में जो है वो इनको यूज़ करते हैं uh, ये है जो है वो ब्लड प्रेशर को क्योंकि कम करती है तो इसको हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में जो है वो यूज़ किया जाता है हार्ट पेशेंट में इसको हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में जो है वो यूज़ किया जाता है क्योंकि ये मायोकार्डियल मसल्स की कंट्रैक्शन को जो है वो कम कर देती है मतलब उसको रिलैक्स कराती है इसके अलावा ग्लूकोमा के पेशेंट्स में जो है वो यूज़ किया जाता है क्योंकि ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर को जो है वो कम करती है तो इसको टॉपिकली जो है वो आइस में यूज़ किया जाता है ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए इसके अलावा ये क्या है कि मिग्रेन को भी uh, काम करने में क्या करती है हेल्प करती है इसके अलावा एंजाइना के पेशेंट्स में जो है वो आ, को ट्रीट करने में जो है वो एंजाइना क्या है स्वेयर चेस्ट पेन जो होती है पेशेंट में होती है तो आ, ये क्या करता है कि प्रो प्रानोलॉल जो है वो हार्ट मसल की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को क्या कर देता है इंक्रीज़ कर देता है जिसकी वजह से पेशेंट के हार्ट की जो पेन है वो रिड्यूस हो जाती है तो ये एंजाइना के पेशेंट में पेन रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है उसके बाद इसके आते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स है. तो एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या एक्शन से रिलेटेड हैं तो अगर इसको ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाएगा तो क्योंकि ब्रोंको को कराता है तो इसकी वजह से ब्रों को हो जाएगी इसके अलावा क्या है मेटाबॉलिज्म में डिस्टरबेंस आ जाएगी ठीक है तो ये इसके मेन क्या है एडवर्स इफेक्ट्स नेक्स्ट जो थर्ड क्लास आती है द ड्रग्स एट अफेक्ट द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज और अपटेक उसमें ड्रग आती है रेजरपाइन रेजरपाइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन है वो वेसिकल्स की फॉर्म में क्या होती है स्टोर हुआ होता है ठीक है जितने भी ये एड्रीलोजिक न्यूरो ट्रांसमीटर हैं तो ये ड्रग क्या करेगी रेजर पान क्या कर देगी ये उस और क्या किस तरह रिलीज होते हैं एड्रीनल मेड्यूला में प्रेजेंट होते हैं एड्रीनल मेड्यूला में वेजिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है तो सिंथेटिक सिस्टम का काम क्या का का है सिंथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो ये न्यूरो उन वेजिकल्स में से रिलीज़ होकर के कहाँ हैं ब्लड वेसल्स या डिफरेंट साइट्स पर क्या है चले जाते हैं तो रेजर बेसिकली उन न्यूरो के रिलीज़ को ही क्या कर देती है ब्लॉक कर देती है वहाँ से क्या है जो मैग्नीशियम टू ए पे ट्रांसपोर्ट पंप्स हैं वो क्या है ब्लॉक हो जाएंगे जब वो ब्लॉक हो जाएंगे तो वेजिकल्स में से क्या है कि इन साइड द सेल जो एपिनेफ्रीन और नॉन एपी मौजूद है वो जो है वो रिलीज़ uh, ही नहीं होगा जब वो रिलीज़ ही नहीं होगा तो वह ब्लड वेसल्स में नहीं जाएगा तो ब्लड वेसल्स में नहीं जाएगा तो सिंपथेटिक सिस्टम क्या है एक्टिवेट नहीं होगा तो ये इसका क्या है मैकनिज़म ऑफ एक्शन थैराप्यूटिक इसके यूज़ क्या हैं कि इसको किस किन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है इनको जो माइल्ड टू मॉडरेट हाइपर है उसमें जो है वो यूज़ किया जाता है फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर फोर स्टार्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो ऐसा सिस्टम जो कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस को कंट्रोल करता है उस सिस्टम को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो ड्रग्स एक्ट करती हैं वो या तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट या एक्टिवेट कर सकते हैं उनको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स या सी एन और ऐसी ड्रग्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती हैं उसको इनएक्टिवेट कर देती हैं तो उस ड्रग्स को हम कहते हैं सी एन एस आपका ब्रेन जो है अगर हाइपर एक्टिव हो जाता है तो वो एक कंडीशन कॉज करता है एनजाइटी तो एनजाइटी के लिए मोस्टली जो ड्रग्स यूज़ की जाएंगी वो सी एन एस डिप्रेशन यूज़ की जाएंगी या आपका ब्रेन क्या हो सकता है डिप्रेस हो सकता है तो डिप्रेस हो का तो डिप्रेशन कॉज करेगा तो डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाएंगी वो होंगी सी एन एस अब आ, आपकी बॉडी में ये जो ड्रग्स हैं वो डिफरेंट तरीक़ों से क्या करती हैं एक्ट करती हैं या तो यह हैं प्री सैनेप्टली एक्ट कर सकती हैं प्री सैनेप्टिक न्यूरोस पर एक्ट कर सकती हैं या पोस्ट सैनप्टिक न्यूरो पे एक्ट कर सकती हैं अगर ये ड्रग्स जो हैं वो प्री सैनैप्टिकली एक्ट करेंगी तो इनका काम क्या होगा कि इन में जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स uh, बन रहे हैं उनकी प्रोडक्शन स्टोरेज और रिलीज को इन्होंने या उनके एक्शन को ख़त्म कर देना है तो या ड्रग्स जो हैं वो पोस्ट सैनेप्टी एक्ट करेंगे नहीं मतलब ये पोस्ट सैनेप्टिक रिसेप्टर्स को या तो एक्टिवेट कर सकती हैं या ब्लॉक कर सकती हैं अब आपके जो ब्रेन में है वो दो टाइप के न्यूरो रिलीज़ होते हैं इन एक को हम कहते हैं एक्साइटेटरी न्यूरो और एक को हम कहते हैं इन्हेबिट्री नूरो ऐसे न्यूरो जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे उनको हम कहते हैं एक्साइटेटरी न्यूरो और ऐसे न्यूरो जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करते हैं उनको हम कहते हैं इन्हबिट्री न्यूरो ट्रांसमीटर्स एक्साइटेटरी न्यूरो एक्टिवेट होंगे तो ये इन्जाइटी कॉज कर सकते हैं इन्हबिटरी न्यूरो एक्टिवेट होंगे तो ये डिप्रेशन कर सकते हैं एक्साइटेटरी न्यूरो में एग्जाम्पल आती है ग्लूटामेट की ग्लूटामेट एक्साइटेटरी न्यूरो है और इन्हीबिट्री न्यूरो में आती है गाबा गाबा की फुल फॉर्म है गैमा अमाइनो ब्यूटैरिक एसिड तो इसके अलावा एक और न्यूरो आपके ब्रेन में रिलीज होता है डोपावीन अब डोपामीन जो है वो एक्साइटेटरी uh, में भी आता है और इनहिबिटरी में आता है डोपामीन की जो है वो डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं डी वन डी टू डी थ्री डी फोर और डी फाइव इनमें जो डी वन और डी फाइव रिसेप्टर होता है वो एज आ एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर एक्ट करता है और जो डी टू डी थ्री और डी फोर है वो एज आ इनहिबिटरी जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर एक्ट करता है आपकी बुक में डिफरेंट सी एन एस रिलेटेड डिजीज़ लिखी हुई हैं और उनके लिए जो है वो डिफरेंट ड्रग्स जो है जो यूज़ होती हैं वो लिखी हुई हैं सबसे पहले आती हैं न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि आपके किसी भी के ब्रेन के पार्ट को डैमेज कर सकती हैं डिस्ट्रॉय कर सकती हैं तो उन डिजीज़ को हम कहते हैं न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ेज़ उसके बाद आती हैं एनजियोलिटिक एंड हिपनोटिक ड्रग्स एनजियोलिटिक मतलब जो एन्जाइटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं उनको हम कहते हैं एनजियोलिटिक ड्रग और पनोटिक्स मतलब जो स्लीप इंड्यूस कराने के लिए यूज़ होती हैं उनको हम कहते हैं हिपनोटिक्स ड्रग्स उसके बाद आती हैं सी एन एस स्टलेंट्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टमलेट करने उसके बाद एंटी डिप्रेशन जो कि डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं न्यूरोलेप्टिक्स ड्रग्स या इनको हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो कि साइकेटिक पेशेंट्स के लिए जो है वो यूज़ की जाती हैं और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो कि एपिलेप्सी को मिर्गी जिसको हम कहते हैं उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूरोडी जनरेटिव डिजीजेज न्यूरोडीजनरेटिव डिजीज़ का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया कि ऐसी डिजीजे जो कि आपके किसी ब्रेन के पार्ट को नर्वस सिस्टम के पार्ट को डैमेज करेंगी या डिस्ट्रॉय करेंगी तो उनको हम कहते हैं न्यूरोडीजनरेटिव डिजीज़ेज़ आपकी बुक में जो न्यूरोडिजनरेटिव डिजीज डिस्कस की हुई है वो है पाकिसोनिज्म पार्को पार्क क्या है एक ब्रेन डिसऑर्डर है जो कि आपकी बॉडी में बैलेंस को डिस्टर्ब करता है आपकी बॉडी में शेकिंग कराता है मूवमेंट डिसऑर्डर कॉज कराता है बॉडी जो है वो मूवमेंट डिसऑर्डर हो जाता है बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है पेशेंट की मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है पेशेंट को टॉकिंग में स्पीकिंग में डिफ़िकल्टी आती है और पेशेंट की बॉडी में ट्रिमर्स प्रोड्यूस होते हैं ये प्रोड्यूस किसकी वजह से होती है कि डोपामीन का लेवल जो है वो बॉडी में ब्रे, ब्रेन में क्या हो जाता है ब्रेन के स्पेसिफिक रीजन में डोपामीन का लेवल जो है वो कम हो जाता है तो टोपामीन के लेवल को इंक्रीज जो है वो करने के लिए ड्रग यूज़ की जाती है लिपो डोपा तो, तो पार्किसस डिज़ीज़ के लिए आपकी बुक में जो ड्रग डिस्कस की हुई है वो है लीवोडोपा अब लीवोडोपा जो है वो उसका काम क्या है कि उसने डोपामीन के लेवल को क्या करना है इंक्रीज़ करना है तो डोपामीन अब भी होना तो ये चाहिए था कि डोपामीन का लेवल कम हो गया है तो डायरेक्ट डोपामीन ड्रग दी जाए और वो क्या कर सके आपके ब्रेन पर डोपामीन के लेवल को इंक्रीज़ कर सके लेकिन डोपामीन एक ऐसी ड्रग है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती तो इसका हम प्री कसर यूज़ करते हैं लीवो डोपा क्योंकि लिवो डोपा में ये एबिलिटी है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है तो लीवो डोपा वैसे इनएक्टिव फॉर्म में होती है जब ये ब्रेन में जाती है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है तो ये अपनी एक्टिव फॉर्म डोपामीन में क्या होती है कन्वर्ट होती है तो जब ये डोपामीन में कन्वर्ट हो सकेगी डोपाम दो, दो, का लेवल क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा और पार्किंसन्स डिजीज़ जो है वो ट्रीट हो जाएगी अब जो लीवो टोपा है उसको क्या है कार्बी टोपा के साथ जो है वो यूज़ किया जाता है कॉम्बिनेशन में पार्किस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए क्यों एक तो क्या है कार्बी टोपा जो है वो लीवोडोपा टोपा के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को क्या कर सकता है इंक्रीज कर सकता है इसके अलावा आपकी ब्रेन में एक एंजाइम होता है डोपा डीक इसका काम क्या होता है कि उसने ब्रेन में डोपाम की क्या करनी है ब्रेक डाउन करनी है जब डोपामीन की ब्रेक डाउन होगी तो क्या है कि डोपामीन का लेवल ब्रेन में कम हो जाएगा तो लिवो डोपा के साथ डोपा दी जाती है डोपा का क्या काम है कि ये उस एंजाइम डोपा डी कार्बोक्सीस को इनहिबिट कर देती है जब डोपा डी कार्बोक्सीस इन्हीबिट हो जाएगा तो डोपाम की ब्रेक डाउन नहीं होगी डोपाम की ब्रेक डाउन नहीं होगी तो डोपामिन का लेवल जो है वो ब्रेन में ज़्यादा हो जाएगा और पार्किसन डिजीज़ जो है वो ट्रीट हो जाएगी तो डोपा को लिवो डोपा के साथ कंबाइन करके दिया जाता है एक तो उसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को इनक्रीज करने के लिए और एक तो जो ये डोबा की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं नोजिया वामटिंग उनको कम करने के लिए जो है वो कार्बिडोपा जो है वो साथ दी जाती है उसके बाद आते हैं इसकी फार्मेकोकाइनेटिक्स ये ड्रग जो है वो ओरली एब्जॉर्ब हो जाती है इसकी एब्जॉर्प्शन का होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है लेकिन डोपा जो लिवो डोपा है उसको हमेशा एम्टी स्टमक में लिया जाता है क्योंकि फूड से इसकी ऑब्जॉर्पन कम हो जाती है तो इसलिए हमेशा इसको एम्टी स्टमक जो है वो लिया जाता है इसकी हाफ़ लाइफ भी बहुत कम है इसकी शॉर्ट हाफ़ लाइफ है अबाउट वन टू टू आवर्स उसके बाद पढ़ते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स इसके एडवर्स क्या हैं कि ये जो है वो स्लाइवा और यूरिन के कलर को चेंज कर सकती है ये स्लाइवा और यूरिन का कलर जो है वो ब्राउन हो सकता है ये इसका इंपॉर्टेंट जो है वो एडवर्स फैक्ट है कि ये स्लाइवा और यूरिन के कलर को ब्राउन कर सकती है इसके अलावा ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर सकती है जिसको हम टैक् कार्डिया कहते हैं हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर कम कर सकती है और इसके अलावा जो है वो नोज़िया वामटिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसके क्या क्या इफेक्ट होंगे ये डिप्रेशन कॉज कर सकती है और उसके बाद मूड चेंजेस कॉज कर सकती है या इनवालेंट्री मूवमेंट्स कॉज कर सकती हैं। है नेक्स्ट ड्रग आती हैं एनजियोलेटिक एंड हिपनोटिक्स ड्रग्स ऐसी ड्रग्स एनजियोलेटिक जो एन्जाइटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं उनको हम कहते हैं एनजियोलेटिक ड्रग और हिपनोटिक्स ड्रग जो कि स्लीप को इंड्यूस कराने के लिए यूज़ की जाती है उनको कहते हैं हिपनोटिक ड्रग्स तीन बेसिक जो हैं वो एंजियोलेटिक और हिपनोटिक ड्रग्स आपकी बुक में लिखी हुई हैं एक होते हैं बेंसोटाइजीस दूसरे आते हैं बारबिच जिसमें ड्रग आती है फिनो बारबिटोन और तीसरी आती है अदर एंजियोलेटिक ड्रग्स उसमें आती है बसपिरोन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भेंसोडाइसिपीस भेंसोडाइसिपीस को सबसे ज़्यादा जो है वो मोस्ट कॉमनली जो है वो या मोस्ट वाइडली यूज़ किया जाता है एनजाइटी को ट्रीट करने के लिए क्योंकि ये क्या है सबसे ज़्यादा सेफ़ है और अफक्टिव ड्रग की क्लास है एज़ कम्पेयर टू बार अब इसका पढ़ते हैं मेकानिज़म ऑफ एक्शन अब क्या है बेंसोडाइसपीस का काम क्या है कि ये क्योंकि एनजाइटी में आपका सिस्टम क्या हो जाता है ब्रेन क्या हो जाता है और हाइपर एक्टिव हो जाता है तो इन ड्रग का काम क्या है कि इन्होंने डिप्रेस करना है तो मतलब ये कौन से न्यूरो या कौन से रिसेप्टर्स पर बाइंड करेंगे गाबा इनहबिट्री न्यूरो को जो है वो इन्होंने ब्लॉक करना है तो ऐसी ड्रग्स जो कि गाबा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती हैं तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये गाबा रिसेप्टर्स को क्या करेंगे गाबा रिसेप्टर्स पे जाकर बाइंड करेंगी गाबा रिसेप्टर से बाइंड करेगी तो वहाँ से इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर गाभा जो है वो रिलीज़ होगा गाबा रिलीज़ होगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा डिप्रेस हो जाएगा तो एनजाइटी को क्या करेगा ट्रीट करेगा तो ये इसका था मेकानिज़म ऑफ एक्शन उसके बाद बैसो के अफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं अगर इसको जो है वो लो डोज़ पे लिया जाए तो ये क्या करती है गाबा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर सकती है और एनजाइटी को क्या कर सकती है ट्रीट कर सकती है इसके अलावा बैंसोडाजपीस को लो डोज़ में लिया जाए तो ये क्या है आ, 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 सडेशन कॉज कर सकती है या हाई डोज में लिया जाए तो ये सडेशन uh, और हिप्नोसिस दोनों कॉज कर सकती है uh, तो अगर इसको हाई डोज में लिया जाएगा तो ये सडेशन या हिप्नोसिस कॉज करती है अगर लो डोज में जाए तो एनजाइटी ट्रीट करती है अगर हाई डोज में लिया जाए तो स्लीप इंड्यूस करती है इसके अलावा ये स्कैल्टन मसल्स की रिलेक्सेशन काज करा, कराती है इसके थेरेपेटिकसेज़ क्या हैं कि इसको डिफरेंट एनजाइटी डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है एक होता है सोशल एनजाइटी डिसऑर्डर्स मतलब सोशली आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते सोशल फ़ियर होता है आप पेशेंट्स में तो उन पेशेंट्स के लिए यूज़ की जाती है इसके अलावा परफॉर्मेंस एनजाइटी डिसऑर्डर मतलब क्या है कि कोई आपको टास्क दिया गया है उस पेशेंट को कोई टास्क दिया गया है थे 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 तो वो फियर फील करता है उस टास्क को परफॉर्म करने में तो ऐसे एनजाइटी के डिसऑर्डर्स के लिए जो है ये ड्रग यूज़ की जाती है उसके अलावा आते हैं मसल डिसऑर्डर्स मसल डिसऑर्डर्स में ये स्केल्टन मसल्स की रिलैक्सेशन का कराती है तो स्केल्टन मसल्स फैस में इसको यूज़ किया जाता है इसके अलावा एपिलेप्सी में इसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट सीजर्स के ट्रीटमेंट के लिए इसके अलावा इंसोमिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है उसके बाद आती है इसकी फार्मेकोकाइनेटिक्स ये ड्रग लिपोफिलिक है तो ये क्या होती है ओरली वेल अब्ज़ॉर्ब होती है अगर इसको ओरली एडमिनिस्टर किया जाए ये बॉडी में क्या है वेल well डिस्ट्रीब्यूट होती है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है डिस्ट्रीब्यूशन टिश्यूज़ में अच्छी है इसके अलावा इसके आते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स ये क्या है ड्राउजीनेस या कन्फ्यूजन जो है वो कॉज uh, कर सकती है उसके बाद नेक्स्ट ड्रग की क्लास आती है बारबी टूरेर्ट्स ऐसी ऐसे इनका सबसे पहले पढ़ते हैं मेकनिज़म ऑफ एक्शन इनका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि वही है कि इन्होंने क्या करना है गाबा रिसेप्टर से जाके बाइंड करना है और गाबा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करना है और वहाँ से इनहिबिटरी इनहेबिट्री न्यूरो ट्रांसमीटर गाबा जो है वो रिलीज़ होगा इसके एक्शंस क्या हैं कि अगर इसको जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसके क्या अफेक्ट्स होंगे कि अगर इसको लो डोज में दिया जाए तो बारबी जो हैं वो सडेशन कॉज करते हैं सडेशन मतलब क्या है कि कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना ब्रेन को काम करना और एक्साइटमेंट को रिड्यूस करना तो कामिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर इसको हाई डोज़ में लिया जाए तो ये हिपनोसिस कॉज कर सकें हिपनोसिस मतलब स्टीप इंड्यूस हो जाएगी तो क्या होगी लॉस या क्या है अनस्थीजिया कॉज करती है हिपनोसिस के बाद यह अनस्थीजिया कॉज करता है अनस्थीजिया हम किसको कहते हैं लॉस ऑफ फीलिंग या सेंसेशन और उसके बाद अगर फर्दर हाई डोज हो जाएगी तो ये पेशेंट में कोमा या डेथ भी कॉज i up to him तो ये क्या है सी को क्या कर सकती है डिप्रेस कर सकती है अगर डोज़ ज़्यादा करते जाएंगे तो ये सी को डिप्रेस करती जाएंगी तो डिग्री ऑफ डिप्रेशन जो है वो इसकी डोज पे डिपेंड करती है उसके बाद आता है रेस्पायरेटरी डिप्रेशन भी ये कॉज कर सकती हैं रेस्पारेटरी सिस्टम को भी डिप्रेस कर सकती हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्पॉन्स के लिए कीमो रिसेप्टर्स हैं उनकी सप्रेशन कॉज कर सकती है और अगर इनकी ओवर ली जाए तो रेस्पायरेटरी डिप्रेशन के साथ साथ ये पेशेंट में डेथ भी कॉज कर सकती हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं थेराप्यूटिक यूजेस के किन किन पर्पसेस के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है बार को बारबिच्यर्यर्स को जो है वो एनस्थीजिया जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए है. Commonly, acting, जो है वो यूज़ किया जाता है मोस्ट कॉमनली जो है वो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचूरस को जो है वो एनस्थीजिया के तौर पे यूज़ किया जाता है इसमें एग्जांपल आती है जो कि थायोपेंटोल इसको इंट्रावेनसली जो है वो यूज़ किया जाता है एनस्थीजिया के लिए उसके बाद कोई एपिलेप्सी के पेशेंट हैं तो उनमें सीजर्स को कम करने के लिए सीजर्स को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है तो उसको एज ए एंटी कन्वलसेंट भी है यूज़ किया जाता है इसके अलावा स्टेटस एपिलेप्तिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस ऐसी सिचुएशन है जिसमें पेशेंट में रिपीटेड सीजर्स होते हैं पेशेंट जो है वो कॉन्शियसनेस में रिटर्न नहीं होता और मोर देन वन जो है वो सीज़र्स उस पेशेंट में होते हैं तो उस डिजीज़ डिसऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है इसके अलावा एक्लैम्पसिया एंक्लैम्सिया होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन में ब्लौ, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए भी बारबीटूरस को जो है वो यूज़ किया जाता है सीजर्स को मैनेज करने के लिए इसके अलावा एनजाइटी को ट्रीट करने के लिए टेंशन को रिलीव करने के लिए और इंसोमिया को ट्रीट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है नेक्स्ट आती है इसकी फार्मेकोकाइनेटिक्स जो बारेट्स हैं वो औरली एब्जॉर्ब हो जाती हैं बॉडी में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी गुड है इसके अलावा ये मेटा मेटाबलीवर में मेटाबोलाइज होते हैं लेकिन ये क्या हैं इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स की फॉर्म में यूरिन से क्या होते हैं एक्सटूट होते हैं इसके अलावा इसके इसके एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं मेन इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं कि ये वीकनेस कॉज कर सकते हैं रेस्टलेसनेस कॉज कर सकते हैं Uh, क्योंकि सेंटर नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर रहे हैं तो कंसनट्रेशन को जो है वो uh, इम्पेयर कर सकते हैं पेशेंट में की कॉज कर सकते हैं मेंटल और फिजिकली रिटार्ड हो सकता है पेशेंट और अगर इसकी बहुत सालों तक ओवर डोज ली जाए तो uh, ये पेशेंट में डेथ भी कॉज कर सकते हैं लास्ट टाइप पढ़ते हैं अदर एनजियोलिटिक एजेंट्स में बस वसवे रोन को जो है वो जनरल एन्जाइटी डिसऑर्डर के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है जनरल एनजाइटी जो पेशेंट में उसके लिए यूज़ किया जाता है इसकी जो है वो एंटी कन्वलसेंट या मसल रिलैक्सेंट जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है तो इसको बेसिकली सिर्फ एन्जाइटी के लिए जो है वो जनरल एनजाइटी के लिए यूज़ किया जाता है इसके जो मोस्ट कॉमन एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं वो हैंड एक कॉज कर सकता है डिजीनेस कॉज कर सकता है और नर्वसनेस कॉज कर सकता है